तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं इस चैनल ने 8 लाख सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं और ये सिंपल वीडियोस बनाते हैं। ये देखिए ये एनिमेटेड वीडियोस बनाते हैं, ये देखिए, और मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने पैसे कमाते हैं। ये देखिए ये पर मंथ कितने कमाते हैं, और ये देखें ये पर ईयर कितने कमाते हैं हर साल, और ये देखिए ये हर दिन कितने पैसे कमाते हैं, ये उसके एनालिटिक्स हैं। और आज की इस वीडियो को मैंने बस 6 स्टेप में डिवाइड कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप लाइक एआई की मदद से एनिमेटेड वीडियोस बना सकते हैं। ये देखिए आपको कुछ भी नहीं करना होगा, एआई की मदद से सब कुछ करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 पर चलते हैं, फाइंड चैनल नेम इन डिस्क्रिप्शन। स्टेप नंबर 1 पर हम आ जाते हैं गूगल बार पर, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं फर्स्ट वेबसाइट पर, यहाँ पर लिख देते हैं गिव मी यूनिक एंड इंटरेस्टिंग स्टोरीज चैनल नेम आइडियाज। तो ये सेंड करेंगे, उसके बाद ये थोड़ा टाइम लेंगे तो जनरेट कर देंगे, थोड़ा सा लाइक कुछ 5 सेकंड लेते हैं। उसके बाद ये देखिए ये यूनिक एंड इंटरेस्टिंग चैनल नेम आइडियाज़ इन्होंने जनरेट कर लिए हैं। इनमें से आपको कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना होगा। मुझे सारे सही लगे, पर इनमें से कोई एक सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट इंटरेस्टिंग हो, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा, द स्टोरी फाउंड्री। तो इसे कॉपी करके हम यहाँ पर फिर डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए प्रॉम्प्ट लिखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं राइट यूट्यूब चैनल डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन इन डिटेल, राइट यूट्यूब चैनल डिस्क्रिप्शन इन डिटेल्ड बेस्ड ऑन स्टोरीज वीडियोस स्टोरीज वीडियो हियर्स चैनल नेम। तो यहाँ पर चैनल नेम पेस्ट कर देंगे, उसके बाद इसे सेंड कर देंगे। ये थोड़ा टाइम लेंगे जनरेट करने में, ये देखें ये हो गया जनरेट। तो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं चैनल में, पर मुझे ये इतना अच्छा नहीं लगा तो इसे मैं रीजनरेट कर लूँगी। यहाँ पर आके इसे यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर रीजनरेट करना है, तो ये रीजनरेट हो जाएगा। ये देखिए ये थोड़ा टाइम लेंगे पर हो जाएगा। ये देखिए इन्होंने ये जनरेट कर लिया है, ये सही लाइक मुझे सही लगा। उसके बाद हम आ जाते हैं स्टेप नंबर 2 पर, क्रिएट चैनल लोगो एंड बैनर। तो यहाँ पर हम कैनवा पर आ जाते हैं चैन लोगो बनाने के लिए। हम यहाँ पर लोगो सर्च करते हैं, यहाँ पर लोगो की टेम्पलेट में आकर यहाँ पर कोई डार्क कलर सेलेक्ट करते हैं बैकग्राउंड के लिए, जो अच्छा हो लोगो के लिए। तो यहाँ पर लिखते हैं द स्टोरी फाउंड्री। ये जैसे लिख के हम यहाँ पर थोड़े इफेक्ट्स लगाते हैं, ये देखें यहाँ पर थोड़े इफेक्ट्स लगा देंगे। ओके ये इफेक्ट्स लगा देते हैं, उसके बाद यहाँ पर भी इफेक्ट लगाएंगे, ये वाला ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो उसके बाद हम इसे कर देंगे डाउनलोड, जैसे ये क्रिएट हो जाए उसके बाद हम इसे डाउनलोड कर देंगे। ये देखिए हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर थंबनेल यूट्यूब बैनर पर ब्लैंक टेम्पलेट पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर जैसे हमने लोगों का कलर सेलेक्ट किया था वैसे ही हम यहाँ पर बैकग्राउंड का इसका भी करेंगे। उसके बाद यहाँ पर वैसे ही नेम भी लिख लेते हैं और यहाँ पर इफेक्ट लगा देंगे जैसे हम लोगों के लगाए थे, बिकॉज सेम स्टाइल रखते हैं ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर सब्सक्राइब बटन ऐड कर देते हैं, इसे एडजस्ट कर देंगे, आप सब लाइक गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं स्टेप नंबर 3 पर, राइट यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट विद AI। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं स्टेप ChatGPT पर, यहाँ पर लिख देते हैं राइट यूनिक एंड इंटरेस्टिंग, यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखेंगे राइट यूनिक एंड इंटरेस्टिंग इमोशनल स्टोरी। तो इसे सेंड कर देते हैं, उसके बाद ये थोड़ा टाइम लेंगे जनरेट करने में। जैसे ये जनरेट हो जाए ये देखें, अगर आपको ये अच्छी लगे तो आप ये इसे कॉपी करके नोट पैड में पेस्ट कर सकते हैं, वरना रीजनरेट भी कर सकते हैं। ये देखें अगर आपको ये अच्छी लगे तो कॉपी करके पेस्ट कर दें, उसके बाद अगर रीजनरेट करना चाहें तो रीजनरेट कर लें। ये जनरेट करने के बाद हमें इमेजेस भी चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ राइट प्रॉम्प्ट्स टू जनरेट इमेजेस फॉर द अबव स्टोरी। तो ये देखिए ये प्रॉम्प्ट में लाइक प्रॉम्प्ट लिखे हैं, कितने इंटरेस्टिंग प्रॉम्प्ट्स हैं। उसके बाद इसे कॉपी करके हम नोट पैड में पेस्ट कर देंगे यहाँ पर न्यू नोट्स पर। ओके मुझे स्टोरी भी सही लगी, इंटरेस्टिंग लगी, तो इसे भी कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हम लाइक न्यू नोट्स पर पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे। ये करने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं स्टेप नंबर 4 पर, जनरेट इमेजेस विद AI एंड एनिमेट दोज इमेजेस। पहले हम बिंग पर आ जाते हैं, यहाँ पर क्रिएट पर करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे वो प्रॉम्प्ट, ये प्रॉम्प्ट यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद क्रिएट पर क्लिक कर देंगे, ये देखिए ये क्रिएट हो रहे हैं।
इन्होंने पहले भी बहुत सी इमेजेस क्रिएट की हैं, फिर उसके बाद सेकंड भी कॉपी कर दूंगी मैं। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारी लाइक इमेजेस इन्होंने जनरेट की हैं, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, तो इसे डाउनलोड कर लेंगे हम। इसे भी इमेज भी कर सकते हैं, यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन भी आता है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेकंड पेस्ट करेंगे, फिर क्रिएटिंग पर कर देंगे क्लिक, तो ये क्रिएट हो जाएंगे। देखिए ये क्रिएट हो रहे हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है हमें, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये जैसे ही जनरेट हो जाए ऐसे हमें क्या करना है, एक को डाउनलोड कर देंगे। मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगी तो मैंने इससे डाउनलोड कर दिया, ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगी तो इससे डाउनलोड कर दूँगी। ओके, फिर उसके बाद अगले को पेस्ट कर देंगे। ऐसे ही करते करते हम सारे प्रॉम्प्ट्स के साथ सारी इमेजेस को डाउनलोड कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये, फिर ये वाला पेस्ट करेंगे यहाँ पर। ऐसे ही हम लाइक सब सारी इमेजेस ऐसे ही हमें जनरेट करनी है। ये देखें ये डाउनलोड कर देते हैं, उसके बाद ये नेक्स्ट पेस्ट करते हैं, फिर कॉपी कर देते हैं अगला, इसे डाउनलोड कर देते हैं। ओके, इसे डाउनलोड कर देंगे, ये पेस्ट कर देंगे नेक्स्ट वाला। तो ऐसे ही हमें सारे ऐसे ही जनरेट कर लेने हैं। ये देखिए उसके बाद इन्हें डाउनलोड करने के बाद इन्हें एनिमेट भी करना है, तो मैं आपको दिखाती हूँ एनिमेट कैसे करेंगे हम इन्हें। ये लास्ट वन है जो हमें ये वाली डाउनलोड ये वाली कर लेनी है, ये वाली अच्छी है। तो इसे डाउनलोड करने के बाद हम आ जाते हैं पिकल ऐप्स पर। पिकल ऐप्स पर हम आ जाएंगे, यहाँ पर ज्वाइन बटन पर क्लिक कर देंगे, फिर यहाँ पर एक्सेप्ट इनवाइट पर क्लिक करेंगे। ये देखेंगे थोड़ा टाइम लेंगे जनरेट लाइक करने में, ये थोड़ा टाइम दे रहे हैं करने में। ये देखें यहाँ पर ये हैं, यहाँ पर हम आ जाएंगे। यहाँ से कोई भी सर्वर आपको ज्वाइन कर लेना है, इनमें से ही कोई सर्वर होगा, ये जो जनरेट में लिखे हुए इनमें से ही कोई सिलेक्ट करना है। यहाँ पर स्लैश ऐड करेंगे, क्रिएट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कॉपी कर देंगे फर्स्ट लाइन, और यहाँ पर पेस्ट करेंगे स्टोरी के हिसाब से, फिर बार क्लिक करके यहाँ पर इमेज पर क्लिक करके यहाँ पर इमेज ऐड कर देनी है। ये देखें ये इमेज ऐड कर देंगे, उसके बाद सेंड कर देंगे, उसके बाद ये इन्हें एनिमेट कर देगा। तब तक हम सेकंड कर देते हैं, सेकंड को वैसे ही कर देते हैं, कॉपी कर देंगे ये लाइन, पेस्ट कर देंगे यहाँ पर, बाहर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इमेज का ऑप्शन आएगा, इमेज ऐड कर देनी है, उसके बाद इसे भी सेंड कर देना। ऐसे ही हम सारी लाइक इमेजेस का करते रहेंगे जब तक लाइक सारे हो नहीं जाते, सबको ऐसे ही लाइक एनिमेट कर देंगे। ये देखें ऐसे भी सेंड कर देंगे, तो ये देखें ये एनिमेट हो गई है। ये देखें इसे हम डाउनलोड कर देंगे, ये भी एनिमेट हो गई है, ऐसे भी हम डाउनलोड कर देंगे। तो ये थोड़ा टाइम लेंगे, अगले को कॉपी कर देते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ओके, ऐड कर देते हैं ये वाला, और इसे सेंड कर देते हैं। इसे हम जैसे सेंड करेंगे ये भी हो गया है, इसे भी डाउनलोड कर देते हैं। तो ये थोड़ा लाइक एनिमेशन कर देते हैं ये वेबसाइट, ये देखें थोड़ी सी एनिमेशन कर देती है। उसके बाद हम आ जाते हैं स्टेप नंबर 5 पर, जनरेट वॉइस ओवर विद AI। तो वॉइस ओवर जनरेट करने के लिए हम आ जाते हैं 11 लैब्स पर, यहाँ पर हम कॉपी कर देंगे फर्स्ट पैराग्राफ। ओके, पेस्ट कर देंगे यहाँ पर, लाइक चूज करेंगे किसकी वॉइस चाहिए, उसके बाद प्ले पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए इसके बाद तब तक हम सेकेंड पैराग्राफ कॉपी करते हैं जब तक ये जनरेट हो रहा है। तो ये जनरेट हो जाए इसे डाउनलोड करके सेकंड पैराग्राफ पेस्ट कर देना है, तो इसे क्लिक करके प्ले के बटन पर जनरेट कर देना है। उसके बाद ये कुछ आ गया था तो इसे फिर से लाइक जनरेट करना है, हो जाएगा, इतना वो नहीं करता, लाइक हो जाता है डाउनलोड। अब इसे करेंगे, तब तक ये वाला कॉपी कर लेते हैं, ये जैसे जनरेट हो जाए इसे डाउनलोड करके नेक्स्ट पेस्ट कर देंगे। ये देखें उसके बाद नेक्स्ट पेस्ट कर देना है, फिर से प्ले पर क्लिक करना है। तो ये थोड़ा टाइम लेकर जनरेट होने में, तो हम तब तक अगला पैराग्राफ कॉपी कर लेंगे। ये देखिए इसे डाउनलोड करके नेक्स्ट पैराग्राफ पेस्ट करते हैं, और यहाँ पर आ जाता है स्टेप नंबर 6 पर, एडिट यूट्यूब वीडियो एंड प्रीव्यू। तो स्टेप नंबर 6 पर यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये लाइक ये एडिट कर देते हैं वॉइस ओवर, यहाँ जो भी खाली खाली है वॉइस ओवर में वो हम हटा देते हैं। ये देखिए हमें वो फालतू चीज़ें कट कर देनी है वॉइस ओवर से, जो भी खाली खाली है, जहाँ पर लाइक कोई भी वॉइस नहीं है वो हम कट कर देंगे, और इन्हें साथ में ही लाइक एडजस्ट कर देंगे। ये देखें इन्हें एडजस्ट कर दिया है वॉइस ओवर एडिट करने के बाद, हम इन्हें इमेजेस को एडिट करते हैं। ये देखें
हमें इमेजेस को एडिट करने अकॉर्डिंग टू द वॉइस ओवर करेंगे। वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग करके इसे लाइक एनिमेशन लगाकर इसे एक्सपोर्ट कर देंगे। एनिमेशन लगाकर इसे एक्सपोर्ट कर देते हैं। Once upon a time, in a quiet, forgotten town, nestled deep in the mountains, there lived an old man named Samuel. He was known throughout the village for his wisdom and kindness, but he carried a heavy burden in his heart. Samuel had lost his beloved wife, Eleanor, many years ago, and with her, he felt he had lost a part of himself. आज के लिए बस इतना। अगर आपको YouTube पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।